एचडी एक्स्ट्रा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मोदी सरकार आधी रात कैबिनेट मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला, महिलाओं को बहुत बड़ा महातोहफा की संज्ञा मैं इसे दूंगा। 1947 आज़ादी के बाद एक नायाब सबसे बड़ा यदि तोहफा है तो ये इनको देर रात जो है महिलाओं को मोदी सरकार ने देने का काम किया है। अपनी समस्या या अपने लिए खुद ही अपना वर्ग कर सकता है या अपना समाज कर सकता है, या मैं खुद जो है अपने लिए जो कर सकता हूँ कोई भी किसी के लिए नहीं कर सकता। इसीलिए महिलाओं में अपने लिए जो कर सकता है वो महिला स्वयं के लिए महिला ही कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा तोहफा। अब खुद कानून महिलाएं अपने लिए बनाएंगी, अब खुद महिलाओं की पूरी भागीदारी रहने वाली है। विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे पता नहीं चला केंद्र या मोदी सरकार की ये योजना, ये स्कीम कब आई, कब चली गई, या छोटा बड़ा आदेश हो जिसका लेना देना आपसे हो। सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय देने का काम करूंगा और तथ्यात्मक देने का काम करूंगा। ऐसा नहीं आया बोला चला निकला, ऐसा नहीं करेंगे। अब ये बहुत बड़ा आदेश, बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा तोहफा ये महिलाओं के लिए था। तो साथियों इसीलिए सबसे पहले आपको जो है हमने देने का काम किया है। अब शुरू करते हैं, सब्सक्रिप्शन जरूर करें। देर रात मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें महिलाओं के लिए लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया है। आज नई संसद में प्रवेश, विशेष सत्र में महिला बिल संभव, महिलाओं से भरेंगे दर्शक दीर्घाएं। तो साथियों 33% यानी लोकसभा में अब 180 सांसद महिला बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। महिलाओं की जो दुर्दशा है, महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है, या आजादी के मामले में, स्वतंत्रता के मामले में, वो बनिस्बत वो हाल जो है पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम महिलाओं की स्थिति है। पुरुषों के लिए आजादी है क्योंकि साथियों अब जो है महिला खुद अपना कानून लिखेंगी, महिलाओं विधायक बनेंगी, महिला सांसद बनेंगी, महिला मुख्यमंत्री बनेगी, महिला मंत्री बनेगी। महिलाओं के अब 33% यानी चाहे सांसद हो, एमपी हो या फिर विधानसभा एमएलए हो, यदि 100 सीट विधानसभा विधायक की एमएलए की आपके राज्य के अंदर है तो वहाँ 33 सीटों पर महिला विधायक बनेंगी ही बनेंगी। प्लस में जो बाकी 67 जर्नल की जो पुरुषों की सीट है उनसे भी वो जो है उनको आज़ादी रहेगी कि कोई भी महिला उन सीट से लड़ सकते हैं। उन 33 पर महिलाओं का बनना तय है। तो साथियों अभी इस पर पूरा विस्तार से संवाद में चर्चा कर लेते हैं। आज का जो है बहुत बड़ा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण पर लगाई मोहर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये देर रात 90 मीटिंग ये मिनट ये बैठक चली। महिला आरक्षण विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी, नई संसद भवन में रचेगा इतिहास। साथियों ये 2024 का मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार का है और 50% आबादी के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। दादी आबादी की जय, संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस समेत दूसरे दलों की ओर से भी की जा रही थी मांग, तो इसका जो समर्थन लगभग सभी विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया है। अब इसका पूरा हम डाटा आपको जो है रख देते हैं। इसमें अभी तक जो फिलहाल लोकसभा के 543 पद हैं, 543 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से महिला सदस्य वर्तमान में 82 एमपी जो है 82 सांसद महिलाओं की है, यानी कुल सदस्यों में भागीदारी ओनली 15% है। या महिलाओं की आबादी कितनी है, लगभग 50% के करीब है पूरे देश के अंदर। और जब सांसद मंत्री या विधायक बनने की बात आती है तो फिर कितनी रह जाती है, 15%। भाई जब वोट 50% उनकी हमारे बराबर हैं तो उनके विधायक, उनके नेता भी तो बराबर ही बनने चाहिए, उनकी पैरवी करने वाले भी बराबर ही होने चाहिए। तो साथियों ये जो है 50, ये बड़ा नाइंसाफी थी, अब जो है इनको इंसाफ मिलने जा रहा है। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं जिसमें 31 जो है महिलाओं के लिए है, 31 महिला जो है उसमें बन जाती हैं। कभी कभी यह आंकड़ा जो 31 का 10 पे सिमट जाता है, 5 पे सिमट जाता है, 3 पे सिमट जाता है। वहीं लोकसभा सांसद की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 82 हैं, कई बार ये जो है 10, 20, 35
यहां तक भी ये मामला सिमट जाता है। अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत की, संपूर्ण हिंदुस्तान की एक भी राज्य सरकार ऐसी या राज्य में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 15% से ज्यादा महिला विधायक हो, महिला एमएलए हो। सर्वोत्तम सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में 14.44% महिला विधायक है। 90 के करीब करीब सीट छत्तीसगढ़ में महिला की वो विधानसभा की है, जिसमें से 14 का मान के चले 10 के करीब महिला एमएलए है। तो अब जो विधानसभा चुनाव होंगे इसमें महिलाओं की सीटें बहुत ज्यादा तो आपको देखने को मिलेंगी। तो इनको 33% जो है रिजर्व कर दिया गया है। जिस तरीके से एससी एसटी के लिए सीटें रिजर्व है, चाहे वो नौकरियों की हो, चाहे वो आप बात करें इसकी लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व की हो, यानी एमपी एमएलए की सीट रिजर्व हो, उसी तरह अब महिलाओं की भी सीट जो है रिजर्व होंगी। दोस्तों 9%, 8%, 10%, 11%, 19 में जरूर 14% जो है महिलाओं की भागीदारी विधान लोकसभा के अंदर है। तो साथियों अभी इसका जो है क्या लोकसभा के अंदर इसको बनने के बाद लगभग जो है 184 महिला सांसद बनना उनका तय है। यहाँ आप देखिए पार्टियों ने महिलाओं को कितने टिकट दिए, टिकट देने में बहुत ज़्यादा जो है पार्टियाँ हिचकिचाती हैं। अब इनको जब रिजर्वेशन मिल गया तो टिकट भी मिलेगा और इनको जो है मंत्रियाँ भी बनेंगी और महिलाओं के कानून खुद लिखेंगी, अपनी जो व्यथा अपना जो पीड़ा इनको सामना करना पड़ता है वो जो है खुद कानून के समक्ष में आपको देखने को मिलेगी। कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर मोदी कैबिनेट का जो फैसला है उसका स्वागत किया है। भास्कर ने इसकी जो है क्या फिर मास्टरी स्ट्रोक, तो भास्कर ने जब इन्होंने विशेष सत्र का ऐलान किया था उसी समय इसका किया था कि बीजेपी जो है 2024 का मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। 2010 के अंदर इसको ये पूरा का पूरा इसका ये है साथियों, आप देख सकते हो 2010 में राज्यसभा के अंदर ये कांग्रेस ने सपरंग जो सरकार थी, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे कहा जाता है, वो अब वर्तमान में इंडिया गठबंधन हो गया है, ये 2010 में राज्यसभा के अंदर पास कर दिया गया था ले और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान था। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, कांग्रेस के पास बहुमत लोकसभा के अंदर नहीं था और जो यूपीए गठबंधन के जो दल थे उनमें जो सबसे बड़े भागीदार दो थे सपा और राजद, यानी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर ये धमकी दी थी और इस मुद्दे पर धम वापिस लेने की जो है सरकार यूपीए सरकार से समर्थन वापिस लेने की धमकी दी थी। इसी वजह से कांग्रेस इसको जो है लोकसभा में पास नहीं करवा सकी थी। कांग्रेस ने इसे 2010 में राज्यसभा में पास करवाया था, लोकसभा में इन्होंने जो है पेश नहीं कर पाए वरना इनकी सरकार जा सकती थी। एसपी जो है ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी ये चाहते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, ओबीसी को रिजर्वेशन मिले तब ये महिलाओं का वो करते। तो साथियों ओबीसी को जो रिजर्वेशन है वो कहीं भी नहीं है। अगर हम ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें तो हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर जो है हरियाणा एक प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में 8% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, 8%, और ओबीसी में भी बीसीए को रिजर्वेशन ये दिया गया था। किस में दिया गया था, ये जो पंचायत जो त्रिस्तरीय है जिला परिषद सरपंच या और जो ब्लॉक समिति है उसमें इनको बीसीए को जो है पढ़ते वो दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। ओबीसी बीसीबी को भी इन्होंने नहीं दिया था बीसीए को। तो अगर हम इसके दृष्टिकोण से देखें, चुनाव के दृष्टिकोण से, तो बीसीए को सिर्फ जो है पंचायत स्तर पर आरक्षण है, बाकी कहीं नहीं है। और ये भी किन्हीं किन्हीं राज्यों में है। ओबीसी को अगर देते हैं तो फिर ओबीसी अन्य जातियाँ भी जो है इसके खिलाफ एकजुट होंगी, हमें भी दीजिए हमें भी दीजिए। तो साथियों ये बड़ा जो है ये 13 विपक्षी दल जो है इसके फेवर में आ चुके हैं लगभग लोकसभा में। मोदी जी के पास अपना ही बहुमत काफ़ी है, तो मजबूत है देश चलाने के लिए एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। 2010 में यदि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होता तो कांग्रेस इसको बहुत पहले अंजाम दे चुकी होती, आज महिलाओं से भरी हुई संसद अपनी दिखती। लेकिन कांग्रेस के पास संपूर्ण बहुमत नहीं था, जुगाड़ की वो सरकार थी, इस वजह से कांग्रेस को पीछे कदम हटाने पड़े। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।